अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है, ये मेरे फादर इल्ला है और ये मेरे ब्रदर इल्ला है और ये सेकंड ब्रदर इल्ला है और एक मेरे सम्मे छोटे ब्रदर इल्ला है जो मोइनाबाद में रहते हैं। उनका जो है कॉलेज में एक बच्ची के संग, सिद्धार्था कॉलेज में पढ़ते थे, उनके एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के संग उनकी मोहब्बत हुई एक 6 महीने 7 महीने से, तो हमको जितना इन्फॉर्मेशन है हम उतना बता रहे। और एक बात क्या है बोले तो जो है अयाज नाम जो है इन्हें जो है बच्ची को फ़ोन गिफ्ट करे थे, इसमें इन लोगों की मोहब्बत भी चल रही थी। उसके बाद में बच्ची के जो है मदर को मालूम हुआ कि इन दोनों में मोहब्बत चल रही बोल के, और फ़ोन वोन भी रिसीव करे बोल के इन लोगों में मालूम हुआ। उसके बाद में जो है होने के बाद में जो है बच्ची को जो है घर पर बुलाए थे, बुला के जो है समझाए करे एक खुद, फिर सेकेंड ट्रिप पर जो है बुलाए थे मदर बुलाए थे बच्ची के मदर बुलाए थे, बुला के जो है बच्चे को समझाए करे थे, मगर बच्ची की और बच्चे की मोहब्बत चल रही थी इसमें, इसकी वजह से सेकंड टाइम पे फिर एक बार बुलाए, बुला के जो है फ़ोन देने के बहाने बुलाए थे, आके आपका फ़ोन ले लेके जाओ बल्कि वो फ़ोन देने के बहाने जो है बच्चे को जो है कोल्ड ड्रिंक में उनकी मदर कोल्ड ड्रिंक में जहर दे के स्लो पॉइजन बोल के है स्लो पॉइजन दे दिए। देने के बाद में ये हादसा है 10/11/2021। उसके बाद में जो है शाम में ये 8:30 के टाइम पे जो है ये वाकया हुआ है। उसके बाद में उन घर को आए, आने के बाद में जो है खाना वाना खाए, उसके बाद में उनको वॉन्टिंग शुरू हो गए। वॉन्टिंग शुरू होने के बाद में जो है हम लोग हॉस्पिटल को लेके गए इधर उधर, यानी एक दिन दो दिन लेके गए, हमको मालूम नहीं थे इसके बारे में, कोल्ड ड्रिंक में जहर स्लो पॉइजन है बल्कि नहीं मालूम था हमको। तो हम ये जो है 3-4 दिन 5-6 दिन हॉस्पिटल को ले गए, ओलिफ में ले गए, ओलिफ में भी नहीं बताया हमको। इसके बाद में जो है यशोदा हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर जो है पूरी तफ्तीलात से जो है स्लो पॉइजन डाले बोल के मालूम हुआ। तो हम लोग क्या करें, शेख अयाज का फ़ोन रिसीव करे, रिसीव करने के बाद में ये जो मदर है और ये लड़की का नाम क्या है भाई, अर्चिता नाम है लड़की का, ये अर्चिता नाम की लड़की को जो है हम लोग पूछताछ मतलब जो है मालूम हुआ हमको। हमला क्या करें, हमारे फादर इल्ला को इन्फॉर्म करें ये बात, हमला हॉस्पिटल में थे, इनको इन्फॉर्म करने के बाद में क्या करें, हमारे वालिद साहब जाके जो है मोइनाबाद PS में कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के बाद में ये मालूम हुआ कि मतलब जो है इसके बाद में ये मालूम होने का पुलिस एक्शन लेके जो है इसके ऊपर केस। जैसे ही मैं मेरे फादर को बोला तो इन्होंने क्या करें, मोइनाबाद PS को आए थे, आके जो है पुलिस को कंप्लेंट करे कि मतलब जो है ऐसी की बात ऐसी है बोल के। तो पुलिस जो है यशोदा हॉस्पिटल को आके वहाँ पर जो है बच्चे का स्टेटमेंट लिया और बच्चा ने स्टेटमेंट ये दिया कि मतलब मेरे को कोल्ड ड्रिंक में जो है पॉइजन डाल के पिलाए बोल के स्टेटमेंट भी दिया। तो उसके बाद में पुलिस वाले क्या करें बताओ, 3037 का मतलब केस बुक करे। उसके बाद में जो है हालत बिगड़ती गई मेरे भाई की दूसरे दिन, उसके बाद में जो है मेरे भाई की डेड हो गई, डेड होने के बाद में 302 का मतलब केस बुक करे इसके ऊपर, और इसके बाद में जो है 302 कर दिए। लेकिन जो है हमको पुलिस से जो है इनकी डेड हो के 22/11/2021 को उनकी डेड हो गई, हो के जो अभी तक 3 महीने के ऊपर हो गए, हमको कोई पुलिस से मदद नहीं मिल रही, खाली पुलिस जो है पेंडिंग मतलब जो है कल परसों ये रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट आने के आने, और अभी तक जो है पुलिस ना उनके मदर को गिरफ्तार करी ना वो बच्ची को गिरफ्तार करी। और अयाज का जब हमला फ़ोन रिसीव करे 22 तारीख के दिन जब हमको मालूम हुआ, तो इसमें जो है एक बदरप्पा नामी शख्स, वो उनके रिलेशन में कौन था हमको मालूम नहीं है, बदरप्पा नामी शख्स के जो है फ़ोन कॉल टॉप करे, तो जो है पुलिस भी हमको ये बात बोली थी है कि मतलब जो है उनके 60 या 70 कॉल कुछ आए बदरप्पा बोलने वाले के, ये बदरप्पा कौन है हमको मालूम नहीं है इसमें। तो इसके बाद में जो है वो बच्ची का भी मतलब हमको पुलिस वाले ये बात बोले, बच्ची से भी पूछे और उनकी मदर से भी पूछे, तो हमारे मतलब भाई का हमारे भाई के संगत मोहब्बत थी ना भाई, कुछ अफेयर चल रहा था क्या बोल के बच्ची का DNA टेस्ट कराए, तो हमारे भाई का इसमें कुछ नहीं निकला। उसमें जो है वो जो बदरप्पा नामी शख्स था उसको जो है उसका निकला उस बच्ची के संगा चक्कर, वो चक्कर निकलने से जो है वो चक्कर निकलने से जो है हुआ क्या बोले, ये बदरप्पा नामी शख्स है, ये बच्ची का DNA टेस्ट कराए थे हमारे भाई के संगत कुछ अफेयर है क्या बोल के, तो मगर जो है इनका हमारे भाई का कुछ भी नहीं निकला इसमें।
बदरप्पे नामी शक का निकला तो पुलिस वाले हमारे को बोले बच्ची वो बदरप्पा को जो है रेप केस में डाले बोल के बोले हम लगा, और वो बच्ची की एज भी छोटी है बोल के बोले, यानी 15 साल या 16 साल कुछ एज है बोल के बोले। तो सर अभी तो हम 3-4 महीने हो गए, पुलिस वाले हमको रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे, ना बच्ची को पकड़े ना उनकी मदर को पकड़े, किसको भी अभी नहीं पकड़े, अरेस्ट भी नहीं करे, खाली कार्रवाई चल रही है, करते हम साफ करते साफ बोल के हमारे वाले साहब को जो है हमारे वाले साहब फिरते जा रहे कंटिन्यू 2 दिन में 6 दिन में 6 दिन में फिरते जा रहे, मगर कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और हम महमूद अली साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब जो है हमको तेलंगाना पुलिस पर भरोसा है, काम अच्छा करते बोल के, और महमूद अली साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करते, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे भाई के संगत आज हुआ कौन सा ये वाकया होके जो है तीन महीने गुजर गए, अभी 22 तारीख आए तो 4 महीने होता है इसको, तो ये लोगों को किसी को अरेस्ट नहीं करे, अभी किसी को अरेस्ट नहीं करे, हमारे भाई की डेड भी हो गई तो भी किसी को अरेस्ट नहीं करे लगा। और जो जो डीएनए टेस्ट कर रहे थे बच्ची का, बदरप्पा को जो अरेस्ट कर रहे थे बोल के बोले ना, क्या बोले हमको बदरप्पा को हमने रेप केस में डाल दिए, अरेस्ट कर दिए बोल के बोले। अब फिर हम लगा जो है एक 6-7 दिन पहले जाके देखे तो बदरप्पा जो है यहाँ पर मोइनाबाद पीएस में आ रहे कहते वो साइन कर रहे कहते, अब उसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है। अब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात, ये हमारे बेगम है, मेरा नाम नूर मोहम्मद, मेरी बेगम है। अपन पॉलिसी जाके कितना भी रिक्वेस्ट करा मैं, आज तक सीए साहब कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मेरे को, पुलिस भी कुछ भी नहीं कर रही। हमारे बोले तो करता हूँ साहब तुम्हारे प्योर में करता हूँ बोल रहा, अभी तक साहब कुछ भी नहीं कर रहे हमारे को। 4 महीने हो गए मेरा बेटे का डेड हो गए, अभी तक कुछ नहीं कर सक रहे, उनके मदर को अरेस्ट नहीं करे, किसी को अरेस्ट नहीं करे अभी तक। भद्रप्पा भी A1 है, उन्होंने 60 काला करा मरते दम तक मेरे बेटे को, अभी तक उनका भी एक्शन नहीं लिए, ये उनका मदर का भी एक्शन नहीं लिए किसी का। सीए को आज भी जाके मैं बात करा, साहब क्या पेपरा दे रहे, पेपरा भी दो कुछ भी नहीं है साहब बोले तो, अरे नहीं साहब मैं करता हूँ, ठहरो टाइम दो बोल रहे सीए साहब, अभी तक कोसा भी ये नहीं है मेरे को, ठहरो बोल रहे। महमूद अली साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, जरा कैसा भी देखो हमारे को, जरा तेलंगाना पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये उम्मीद है मेरे बच्चे का डेड हो गया, हिसाब करो मेरे बच्चे, ये तेलंगाना पुलिस से हमारा रिक्वेस्ट है, महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारे को हिसाब हुई है मेरा बच्चे का डेड हो के 4 महीने हुआ, 4 महीने थे, सीए साहब भी हमारे को कुछ बोल रहे नहीं, आज कल बोल रहे ये मेरा बेटा है डेड होया के 4 महीने हो गया, 4 महीने से सीए साहब अभी टाइम देना, जर्रा ठहरो बोल रहे, अभी तक मेरा बेटे को देखे मेरे खाना पानी सब छुड़ गया। महमूद अली साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तेलंगाना पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाना, आज मेरे बच्चे को हुआ कल किसी के बच्चे को नहीं होना चाहिए, अब ऐसा हिसाब होना चाहिए मेरे बच्चे को। जो है आमा सामना हो रहा तो हम पुलिस वालों से यही कह रहे कि मतलब जो है इसमें इन्वॉल्व बदरप्पा भी है इनकी, क्योंकि जो है फोन कॉल जो देखे 60 कॉल इनके भी है इसमें, तो पुलिस बोले हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें पूरे, इनके बच्ची के कौन होना, ये इनके अंकल होना या कौन है, अंकल या मामू कौन होना या नहीं मालूम, कन्फर्म मालूम नहीं है हमारे को ये। अयास के फोन में तो रिकॉर्डिंग नहीं है इनकी अभी एक उदा नाम बोल के बच्ची है वो भी बच्ची इसमें इन्वॉल्व है, उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये उदा जो है इधर मोइनाबाद में है, अयास के स्टूडेंट है वो भी एक। हाँ ये बच्ची इनकी मदर जो हमारा भाई अयास है ना उनकी जो लवर थी उनकी एक मदर के, इन लोगों का भी तीनों का कॉन्फ्रेंस था समझो, इतना तीनों को मालूम भी था इसमें, मदर को भी मालूम था, ये उदा बोलने वाली बच्ची को भी मालूम था, और जो इन लोगों की कॉन्फ्रेंस में बात भी हुई और इसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास फिलोखत पे। हम यही चाह रहे हैं कि मतलब हमको इंसाफ चाहिए, हमारे भाई की डेड हुई हमारे को मालूम है, इनके वालिद साहब भैया इनको कैसे परेशानी से गुजरे इनको मालूम है, और हमको तेलंगाना पुलिस से उम्मीद भी है कर सकते बोल के, और हम आपको तेलंगाना पुलिस से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। महमूद अली साहब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमको तेलंगाना पुलिस से जो है हमको इंसाफ चाहिए बस, ये मोइनाबाद PS में जी हाँ राजू दिलाना बच्चे के साथ होता, आज उन्होंने हुकूमत से दुकान खोल रहे हैं, हर चल रहे हैं फिर रहे हैं, हमारा भी दिल कुछ बोल रहा छूंगा, हमारा भी दिल को तड़प रहा, हमारा बच्चा मर गया, हमारे बच्चे के दिल को तकलीफ कैसी, मेरा बच्चा कैसा बच्चा था, मेरा कैसा था, मेरे माँ के दिल की तकलीफ हो रही, आपको हो रही नहीं हो रही अल्लाह को मालूम। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, मेरा एक इंसाफी होना, सख्त से सख्त सजा मिलना उन लोगों को, कहीं होगा 4 महीने से आज तक नहीं करे।
आज करते कल करते बोलते जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा 19 साल का था, मेरा बच्चा कॉलेज को जाता था, वो लगा वहाँ पे मुलाकात करे मेरे बच्चे के साथ, खुदा वल्ले वाली बच्ची बीच में मिलाई मेरे बच्चे को, उसकी वालदा बुलाई मेरे बच्चे को बुला के, शहर डाल के रूम में बुलाई बच्चे को, रूम में बुला के बच्चा अंदर उन जाके पी लिया, बुला के दे दी मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा गलती करा तो हमसे बोलना था, मैनाबाद में ऐलान करना था, हम माँ बाप थे, हमारे माँ बाप को बोलना था हमारे बच्चे के खातिर, नहीं बोले, नहीं बोले, पीएस में बोलना था, कहीं भी बोलना था, हमारे रिश्तेदार थे, मैनाबाद पूरा हमारा ख़ानदान है, चचाया यहाँ रहते, भाया यहाँ रहते, सारा ख़ानदान हमारा यहाँ रहता, हमारे को बोलना था, हम रहते मुस्तफ़ा हिल्स में, मेरे बच्चे के बारे में मेरे को बोलना था, ऐसा गलती करा तुम्हारा बच्चा, ऐसा करा बोल के बोलना था, जो मेरे बच्चे को बुला को बोरी जहर दिए तो पी लेता क्या, खाना दिए तो खा लेता क्या मेरी बच्ची के खातिर, वो बयान हमारे से करना था, हमारे को बोलना था वो बात, हमारे को कहीं को नहीं बोले। मेरे 19 साल के बच्चे को मैं क्या मुसीबत से पाली, कैसा पाली, क्या पाली, किसी के माँ बाप पे बीते जा रहा हूँगा, ऐसा नहीं बीते जा रहा, किसी को नहीं मालूम हो रहा, ऐसा करना ज़रूरी है क्या, इंसाफ़ी है क्या, ये अभी तक इंसाफ़ी नहीं मिल रही हमको, हम कैसी तकलीफ़ में है, हम कैसी मुसीबत में है, हाँ 4 महीने हो गया, 4 महीने से आज तक भी इंसाफ़ी नहीं मिली हमारे को, हम जा रहे आ रहे तो आज करते कल करते, आज करते कल करते बोलते जा रहे हैं, हमारे को आज तक भी कोई सी इंसाफ़ी नहीं मिली हमारे को, क्या चीज़ की है, क्या चीज़ की सजा, ऐसा बुला कैसा करते क्या बच्चे को, 1000 भी गलती करा तो माँ बाप को नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं हो सकता, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी के बच्चे के साथ नहीं होना ऐसा, आज मेरा बच्चा 19 साल का बच्चा मेरा, माँ की तरफ क्या चीज़ है सबको मालूम हो रहा होगा, सबके घर में बच्चे होंगे, सब जने पाल रहे होंगे, सब जने छोटे से छोटे, पुलिस वालों से मैं ये भी बोली घर पे बयान लेने आए तो, सब आपको भी बच्चे होंगे, आप कैसा मुसीबत से पाले, कैसा पाले आपको मालूम होगा, तुम्हारा मेरा बच्चा कैसा है, तुम्हारा बच्चा ऐसा समझ के इंसाफ करो आप, तो अच्छी बात है माँ करते करते बोले, कोई इंसाफ ही नहीं करे मेरे घर में, हर चीज़ की इंक्वायरी करे, मेरा बच्चा कहाँ सो गया, कहाँ उठा, कौन से दवा खाने को ले गए, कहाँ पे ले गए, हर चीज़ की इंक्वायरी करे मेरे बच्चे की, फिर उनकी इंक्वायरी नहीं करे सब, कौन सी चीज़ की भी इंक्वायरी नहीं करे मेरे बच्चे, हर चीज़ की इंक्वायरी करे मेरे बच्चे की, मेरा बच्चा कहाँ फिरता, कहाँ चलता, कहाँ रहता, किधर खाता, क्या खाया, क्या पिया, कैसा मर गया, क्या पिए, तो सब भैया बोल के भी पूछे हमको, हर चीज़ की हमारी इंक्वायरी निकाले, उनकी इंक्वायरी एक चीज़ की भी नहीं निकाले। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि सख्त से सख्त तेलंगाना पुलिस से सज़ा मिलना चाहिए उन लोगों को, उन लोगों को पकड़ना, अरेस्ट करना, हमें कोशिश भी इंसाफी दिलाना। ये सताने का आज करो बोला क्या तू फोन? मैं मर जा तुम देखो अगर घर को नहीं आया तो मेरे काम हो, मेरे काम हो गया, बात कर रहे तेरा यार, दुनिया का कुर्बान हो बेचारे यार, मैं तो बात कर रहे थे पापा बोल तुम बोले, अरे जान दे छोड़ दो, रात को बात करो, अच्छे के लिए हम नेता है का भाई मैं मर गया तो अच्छा नहीं कर रहा जा मुको, बात कर रहे तेरे अम्मी पापा बोल तुम बोले फोन करो, बात कर रहा है उठ रही बात तो बात कर गया अम्मी, अरे अम्मी बात करो बोरे ना दे रहे छोड़ दे रहे, अरे जान दे रहा बोरे जान दे छोड़ो हो छोड़ दे।
मर जान दे हम तक क्या रख ला है Subscribe our channel and press the bell icon for updates.